الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين رب العالمين एक बार दोबारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सेशन में इंशाल्लाह इन 20 मिनटों में मेरा ख्याल है एक ही मिसाल कवर हो सकेगी और इस मिसाल में दो अल्फाज हैं कुरान के जिनका कंपैरिजन एक ही आयत के अंदर है। इस आयत का ताल्लुक सूरह हुजरात से है, सूरह नंबर 49 और ये नवी आयत है, इट्स द 9th आया। इस आयत में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज है किस्त और दूसरा लफ्ज है अदल। अब किस्त और अदल, किस्त हमारे यहाँ तो खैर टीवी शो की किस्तें होती हैं और किस्त और लफ्ज़ और मायने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किस्त अरबी में खैर इसी तरह के अल्फाज में इंसाफ के लिए, अदल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मुख्तसर था तर्जुमा पहले आयत का कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन दो अल्फाज को थोड़ी गहराई से देखते हैं। वह इन तौइफ़तानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू, अगर ऐसा हो कि दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ना शुरू हो जाएँ, इक्ततलू एक दूसरे से लड़ें। असल में इसमें भी एक बड़ी बलागत है कुरान की, इख्तिताल अरबी में कहते हैं ख़ुद से लड़ने को, ख़ुद से लड़ने को। और लफ्ज़ की हिकमत यहाँ ये है कि ये नहीं कि एक दूसरे से लड़े, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो असल बात यह है कि वो ख़ुद से ही लड़ रहा है, क्योंकि इंसान जब मुसलमान दूसरे से लड़ता है तो वो उसका अपना आईना है, वो भी मुसलमान ही है, वो भी मुसलमान ही है दोनों, तो ये अंदरूनी ख़ुद से लड़ने वाली बात है, यानी बिल्कुल गैर माकूल सी बात है, बहुत बुरी बात है। जितनी नॉन सेंसिकल बात यह है कि इंसान अपने आप से लड़े, इतनी ही बेतुकी बात है कि इंसान दूसरे मुसलमान से लड़े, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़े। तो खैर, वह इनताइफ़तानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, फिर उनकी आपस में सुलह कर दो, अगर दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ रहे हों तो उनकी आपस में सुलह कर दो। फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर उनमें से एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर दे, दोबारा सुलह होने के बाद दोबारा से लड़ाई शुरू कर दे, फ़क़ातिलु लती तबगी हत्ता तफ़ीआ इला अम्रिल्लाह, तो जिसने लड़ाई शुरू की, जिस ग्रोह ने लड़ाई शुरू की उसके खिलाफ लड़ो, यानी जिसने बगावत की उसके खिलाफ लड़ो, जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस ना आ जाए, हत्ता तफ़ीआ इला अम्रिल्लाह, यानी जब तक कि वो ग्रोह वापस अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ ना आ जाए। इससे भी तर्जुमा मज़ीद करने से पहले एक छोटी सी बात का जिक्र कर दूं, आपने दो ग्रोहों के दरमियान सुलह की, और सुलह की हो सकता है कोई मीसाक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, कुछ कागजात पे साइन किए गए हैं, कुछ हाथ मिलाए गए हैं, उस कागजात उस मीसाक के कुछ नुकात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस झगड़े में ये कुछ निगोशिएशन है। अब ये निगोशिएशन अल्लाह ताला की तरफ से आई है कि आपकी तरफ से आई है? आपकी तरफ से आई है, आपने निगोशिएशन पर बैठ के कुछ सुलह की है, कुछ बातों पर आपने एग्रीमेंट की है, राइट। लेकिन जब लड़ने की बात आई दोबारा, यानी ये एग्रीमेंट हो चुकी, दो पार्टियां हाथ मिला चुकी, सुलह हो चुकी, और सुलह होने के बाद उनमें से एक ने दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया, तो अब उससे जब झगड़ा होगा और उनको वापस उसी एग्रीमेंट पर लाया जाएगा, तो उस एग्रीमेंट का नाम कुरान ने कह दिया अमरुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। अब हत्ता तफ़ीआ इला अम्रिल्लाह, फ़इन्फ़ाअत, अगर वो ग्रोह दोबारा वापस आ जाए, यानी सुलह कर ले दोबारा, लड़ाई छोड़ दे दोबारा, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदली व अक्सितू, फिर दोबारा उनके दरमियान सुलह कर दो, लेकिन इस दफ़ा सुलह करना अदल के साथ, बिल अदल, अदल के साथ इनमें सुलह करना, वह अक्सितु, और तर्जुमा आम यही होगा, इंसाफ से काम लो, अदल से काम लो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इंसाफ से काम लेते हैं, इंसाफ करने वालों से, अदल करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो आखिर में कुरान की आयत में अरबी में नोट कीजिए, फ़अक्सितु बैनहुमा, फ़अस्लिहु बैनहुमा बिल अदल व अक्सितु, अदल से काम लो, उनके दरमियान जब सुलह करो तो अदल से करो, और फिर किस्त से काम लेना, किस्त इस्तेमाल करना। अब किस्त हमारे यहाँ उर्दू में इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता, कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और अल्लाह ताला किस्त करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला किस्त करने वालों से मोहब्बत करता है, किस्त खास इंसाफ के लिए एक लफ्ज़ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको, जब मैं आमतौर पर अंग्रेज़ी में पढ़ाया करता हूँ तो मैं इसको तीन ग्रोहों में तकसीम कर देता हूँ, इसी तरह समझते हैं इंशाल्लाह। एक ग्रोह की लड़ाई हो रही है, ग्रुप ए, दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो रही है, उसका नाम है ग्रुप बी, तीसरा ग्रोह बाकी मुसलमान ग्रुप सी। असल हुक्म बाकी मुसलमानों से है, ए की बी से लड़ाई हो रही है, पहले की दूसरे से लड़ाई हो रही है, उसका झगड़ा, उस झगड़े का हल कौन निकालेगा? सी, बाकी लोग, बाकी लोगों को इन्वॉल्व होना है, बाकी कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना है, बाकी मुसलमानों को इन्वॉल्व होना है, और उन्होंने इस झगड़े को हल करना है। और इस आयत में माशाल्लाह एक तो एक बड़ी कम्युनल सी बात है, यानी सिविल वॉर टाइप
पॉलिटिकल सोल्यूशन भी है, इसमें सोशल सोल्यूशन भी है इसकी। अगर आपके फैमिली के अंदर दो लोगों की बात का झगड़ा हो गया है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आप बाकी सबको इन्वॉल्व होना चाहिए और झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट, फास्टली हो। खैर, अब दो की आपस में ए की बी से लड़ाई, और सी पर हुक्म है कि वो इसमें ना सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व करे, अपने आप को इसमें मुलव्वस करे, और उसके अलावा अपने आप को इन्वॉल्व करने के बाद सी का काम यह है ना ए की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हो उसकी, ना ए की तरफ जानिबदारी करे, ना बी से ज़्यादा हिमायत करे, दोनों के दरमियान सिर्फ सुलह का मसला है, सुलह करने के लिए वो आ जाए। अच्छा, अब आपने सुलह कर ली, सब ने हाथ मिला लिए, ए अब बी से खुश, बी अब ए से खुश, सब झगड़ा ख़त्म। अब मामला ख़त्म होने के बाद बी कहता है, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, वो जो सुलह हुई थी ना, वो कोई हमारे ख़िलाफ़ थी, हमारे साथ जो है बड़ी बददियानती से काम हुआ है, और इस सुलह को हम नहीं मानते, और वो दोबारा लड़ाई पर आ गए। अब जब वो दोबारा लड़ाई पर आए तो समझने की बात है कि वो लड़ रहे हैं ए से, पहले ग्रुप से लड़ रहे हैं, लेकिन अब सी को भी गुस्सा है। सी को किस बात का गुस्सा है भाई? सी को गुस्सा इसलिए है कि सी ने बड़ी बड़े प्यार से, मोहब्बत से दोनों को बुला के अपने घर में सुलह करवाई थी। उस सुलह को मानना और उस सुलह का एहतराम करना, ये सिर्फ उन दोनों की आपस की बात नहीं रही है, अब तो उन्हें सी का, तीसरी कम्युनिटी का कोई एहतराम नहीं है। अगर वो उस अग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं तो फिर तमाम बाकी मुसलमान भी अफेंड हो गए हैं कि हमारी बात क्यों नहीं मानी गई, ये तो हमारे सामने हमारी अदालत में हमारे लिविंग रूम के अंदर ये अग्रीमेंट हुई थी, तो आपने मेरी बात भी नहीं मानी। अच्छा, अब ये दोनों जो गुस्से में आए, इससे मज़ीद बात करने से पहले एक और छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब मुसलमान आपस में झगड़ते हैं ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मुसलमानों को तो भाई होना चाहिए। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तमाम उम्मत जो तुम्हारी है ये सिर्फ एक उम्मत है। वह अना रब्बुकुम फअबुदून, जिस तरह तुम्हारा रब एक है, तुम्हारी उम्मत एक है। इस किस्म का हवाला अल्लाह ताला ने दो दफ़ा दिया है कुरान में। तो जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है, हर मुसलमान के लिए बेइज्जती की बात है। तो सुलह जब हो रही होती है ना, तो उसको दरवाजे बंद करके प्राइवेटली दोनों पार्टीज़ को बिठाया जाता है, समझाया जाता है कि देखो ये सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाशा घर की बात है, घर अंदर अंदर से ही इसको हल कर लेते हैं। यानी जो सुलह का मसला होता है ना, इसको पब्लिक में नहीं रखा जाता, इसको प्राइवेटली रखा जाता है। इसकी भी अहमियत है, क्योंकि जब आपस में लोगों के झगड़े होते हैं तो बुरी बुरी बात निकलती है, सारे दलीलें सामने आती हैं, सबूत सामने आते हैं, और उसमें शायद किसी को शर्मिंदगी हो, या किसी को अपने जो हरकत की है उसकी वजह से उसको अब शर्मिंदगी है, अब उसकी माफ़ी मांग रहा है, और सबके सामने माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता। आपको प्राइवेटली ये मामला हल करने की ज़रूरत होती है, इसमें कोई वीडियो कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ करने के बाद यूट्यूब पर डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहिए कि आपको खामोशी से ये मामला हल तय करना चाहिए, और फैमिलीज में आपको पता ही है इसी तरह की हिकमत होती है, आप बाहर के मेहमानों को बुला के मसले हल नहीं करते, अंदर ही अंदर बात करते हैं, चलो बड़ों की बात हो रही है, दरवाज़ा बंद करो, बच्चों को सुला दो, दूसरे कमरे में जाने दो, फिर इस मामले में बात करते हैं, है ना। कोई सेंस होती है कि कुछ बातें बाहर सबके सामने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये सुलह जो आपने कर दी, की तो आपने प्राइवेटली की, तो बस तीन ही लोग थे उस मीटिंग में, या एक के रिप्रेजेंटेटिव थे, ममसिल थे, एक बी के थे और एक फिर एक सी के थे, और कोई था नहीं, बाकी पब्लिक तो थे नहीं उस प्राइवेट मीटिंग में। तो अब जो बी बाहर निकल कर, दूसरा ग्रो बाहर निकल कर दोबारा कह दे कि हमारे साथ उस मीटिंग के अंदर बड़ी बदयांती हुई है, हमारे साथ मकारी हुई है, हमारी फेवर में बात नहीं गई, हमने तो कोई नहीं माना था, अब उसके गवाह कौन है? उसके गवाह या सी, और कोई गवाह है नहीं, और वो कहते नहीं ये दोनों गवाह आपस में मिलके हमारे खिलाफ हो गए थे। तो मकसद ये हुआ कि वो झगड़ा खड़ा कर सकते हैं, फितना खड़ा कर सकते हैं, और उसका गवाह भी कोई नहीं, और गवाह इसलिए नहीं कि दोनों का लिहाज रखते हुए प्राइवेटली बात रखी गई थी, लेकिन अब वो उस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात, वो प्राइवेट होने की वजह से ही उसका फ़ायदा उठा के दोबारा झगड़ना शुरू हो गए, और बहाना ये बनाया कि अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें तो हमारे खिलाफ बात चल रही थी, आपको नहीं पता क्या हुआ था। फ़क़ातिलु लती तबगी हत्ता तफ़ीआ इला अमरिल्लाह, तो जिसने झगड़ा शुरू किया, जिसने अग्रीमेंट तोड़ी, उसके खिलाफ अब लड़ो, उससे लड़ो, लेकिन लड़ने का हुक्म अब ए को नहीं है, अब सी को भी है, यानी तमाम मुसलमान मिलकर अब एक से लड़ रहे हैं। पहले जो जंग हो रही थी वो दो जमातों के दरमियान थी, आप बीच में न्यूट्रल थे, अब दूसरी मर्तबा आप भी जंग में दाखिल हैं, आपसे भी झगड़ा है, आपकी की हुई सुलह का एहतराम नहीं किया गया, आपको भी हुक्म है आपके आप भी लड़ें, क्योंकि वो तीसरा ग्रुप जो बी है, जो जिसने झगड़ा शुरू किया है, वो अब तमाम उम्मत के लिए फितना बन चुका है, तो आपको उससे भी लड़ना पड़ेगा।
अब आप उससे लड़ने पर उतर आए, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ए से तो मैं झगड़ सकता था, बट ए और सी मिलकर मेरे खिलाफ आ रहे हैं, तो ये तो बहुत हो गया, ठीक है मैं दोबारा बात करने को तैयार हूँ आपसे, आइए दोबारा मिलके नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के सुलह से बात कर लेते हैं। अब उस दूसरी मर्तबा सोचने की ज़रूरत है, दूसरी मर्तबा गुस्सा सिर्फ ए को नहीं है, जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं, कोर्ट रूम में बैठे हैं, तो सिर्फ ए को गुस्सा नहीं है, बाकी किसे भी गुस्सा है, सी को भी गुस्सा है, क्योंकि वो भी लड़ाई में आया हुआ था, वो भी मैदान जंग में था। अब जिसे गुस्सा आया हो और वो जज भी हो, अगर गुस्सा भी आया हुआ है और जज भी है तो मसला नहीं है, मसला तो है। अब पहली दफा गुस्सा नहीं था तो पहली दफा अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि सुलह कर दो, लेकिन ये नहीं कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि सुलह अदल के साथ हो, सिर्फ कहा सुलह कर दो। दूसरी मर्तबा जब सुलह करने की बात आई तो कहा फअस्लिहु बैनहुमा बिलअदल, अदल के साथ सुलह करना, इस बात का ध्यान रखना कि इंसाफ हो, अदल हो, इसमें जो है दूसरी तरफ तुम्हारी जानिबदारी ना हो। और बड़ी तबीयी सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है कि जिसके साथ आप खड़े होकर लड़े हैं, जो आपके साइड बाय साइड ए और सी एक साथ खड़े होकर लड़े हैं एक दुश्मन के खिलाफ, तो बहुत मुमकिन सी बात है, बहुत कॉमन सेंस किस्म की बात है कि जब आप ए और सी की हैसियत से आप जज बन के बैठेंगे तो आपकी जानिबदारी ए के साथ होगी जो आपका साथी था, और बी के खिलाफ होगी जो आपका दुश्मन था। लेकिन आपको उस वक्त याद रखना पड़ेगा कि तमाम मुसलमान हैं, और आपको अपनी जानिबदारी हटानी पड़ेगी, अपना बायस हटाना पड़ेगा। कुरान में कोर्ट रूम के अंदर जो बायस होता है ना, उसके खिलाफ भी बात की जा रही है। तो कहा गया है अस्लिहु बैनहुमा बिल अदल। अब अदल के मायने और किस्त के, अदल और किस्त का आपस में फ़र्क समझने की कोशिश करें। अदल अरबी में कहते हैं उस इंसाफ को, उस अदल को जो अदालत में हो, अलअदाला। अलअदाला कहते हैं खुली, पब्लिक, सबके सामने ट्रांसपेरेंट किस्म के जो केस होते हैं ना, जिसको कोई भी आके देख ले क्या हो रहा है, काजी के सामने क्या क्या बात की जा रही है, जज के सामने क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन से सबूत लाए जा रहे हैं, पहले वकील ने क्या बात की, दूसरे वकील ने क्या बात की, किसने गवाही दी, क्या शहादत दी, तमाम चीज़ें सब पब्लिक के सामने हैं, कैमरा भी लगा हुआ है, टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरा मामला, कोई क्लोज रूम, क्लोज डोर कोर्ट रूम नहीं है, सीक्रेट सेशन कोई नहीं है, इसे कहते हैं अदालत। और ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में कि अदालतें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, सबको पता हो क्या हो रहा है। आपको पता है किसी भी सोसाइटी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी चले जाएं आप, अगर कोई कहे कि कोर्ट रूम सेशन था लेकिन क्लोज डोर था, सीक्रेट ट्रायल था, और उस खुफिया ट्रायल के बाद किसी को गिल्टी कह दिया, पब्लिक मानती है? पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्या डिमांड करती है, आपकी दलील क्या है, सबूत क्या, किसने सबूत पेश किया था, किस सबूत के तहत उसको सजा मिल रही है, किसने कह दिया कि ये गिल्टी है, वेल इट वाज ऑल सीक्रेट एविडेंस। सीक्रेट एविडेंस के तहत बहुत सारे लोग जेल जाते हैं और किसी को कन्विक्शन नहीं होती कि ये इस केस में अदल था, इंसाफ था। दूसरी मर्तबा जब मुसलमान कोर्ट रूम में आ रहे हैं तो अदल का हुक्म इसलिए हुआ कि अदल के मायने हैं कि सबके सामने सारा मामला रखा जाए, इसमें अब कोई प्राइवेसी की गुंजाइश नहीं रही। पहली मर्तबा मैंने आपको बताया था, पहली मर्तबा प्राइवेसी होगी या खुलकर बात होगी, प्राइवेसी होगी। प्राइवेसी की हिकमत क्या थी, घर की बात है, घर में ही रहने दो। लेकिन जब घर की बात घर में रहने दी तो किसी ने फ़ायदा उठाया कि नहीं, अब फ़ायदा उठाया तो उसको दोबारा तो ये मौका तो नहीं देना चाहिए कि वो दोबारा फ़ायदा उठाए, दोबारा कह दे कि जो बंद दरवाज़ों के पीछे हुआ वो आपको नहीं पता, दोबारा हमारे खिलाफ ही बात हुई थी, देखिए उनको तो गुस्सा चढ़ा हुआ था पहले ही हमसे झगड़ने की वजह से, इसलिए जज साहब ने हमारे खिलाफ और ही ज़्यादा केस कर दिया। नहीं, अब बहुत ज़रूरी है कि सबके सामने खुलकर पब्लिक में बात हो, फअस्लिहु बैनहुमा बिल अदल, इसलिए अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। خصك الرحمن بالفضل والتين.